हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे वालेकुम सलाम मैम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सो रहे थे सब लोग? इस टाइम जी मैम नो मैम, बैठे हुए थे, आपका इंतजार था। चलो अच्छी बात है, गुड। अभी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें और फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग प्रीवियस लेक्चर कुछ पढ़ा है तो उसको रिवाइज करें। बच्चों कुछ पूछना हो उसमें से? जी बच्चों, लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जो हमने दो लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू? नो मैम। जो उसमें एक्टिविटीज थी वो की हैं? जरा दोबारा बता दें अगर आपने एक्टिविटीज कोई दी थी, क्योंकि मेरी असल में तबीयत खराब थी तो मैंने क्लासेस तो ली थी लेकिन उतने ध्यान से नहीं ली, मैंने सुनी थी सिर्फ। तो उसके बीच में हमने यही कहा था कि वायरसेस के जो है वो टेबल वगैरह बना लें, बस ये वाली आप कह रही हैं जी? ठीक है, क्योंकि मैंने मैंने अभी किया नहीं है, क्योंकि अभी मैं रिकवर हुआ हूँ तकरीबन कल, मतलब थोड़ी तबीयत सही हुई है। आज ही अभी मैं पढ़ रहा था बैठ के सुबह, तो मैंने कहा मुझे याद आ गया। जी बाकी बच्चों ने बनाई है? नो जी क्लास, आप लोगों ने एक्टिविटी किस किस ने बनाई है? हाँ जी, सायरा महबूब, सायरा महबूब, सायरा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सायरा महबूब, बच्चों आप लोग इस तरह क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एट द एंड आप लोगों के सीपी के मार्क्स भी ऐड होते हैं, और जब सीपी के मार्क्स भी लगते हैं तो फिर सब स्टूडेंट शोर डालते हैं, मुझे इतने मार्क्स दे दिए, मुझे इतने क्यों दे दिए आप? और सीपी के मार्क्स इसी आप लोग क्लास पार्टिसिपेशन जो कि अगर मैं कुछ पूछती हूँ या मैं किसी का नेम रिकॉल कर रही हूँ, उसको बुला रही हूँ कुछ पूछने के लिए, अब एक टीचर जो है वो 3 से 4 टाइम नेम रिकॉल कर रहा है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो क्या वो क्लास में प्रेजेंट है? तो क्लास में इतना प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। एट द एंड जब मैं मार्क्स अपलोड करूँगी तो फिर मैं किसी का स्टूडेंट की बात नहीं सुनूंगी कि मेरा आप इतने मार्क्स आपने क्यों लगा दिए हैं, मैं तो पूरी क्लासेस में अटेंड करती रही हूँ। क्लास अटेंड करना ठीक और बात है, बट क्लास में आपका प्रेजेंट होना भी जरूरी है। ये नहीं कि आपने अपनी मीटिंग ऑन कर दी है तो उसके बाद आप सो गए हैं या अपने कामों में चले गए हैं, तो बेटा इस बेस पे फिर सीपी के मार्क्स नहीं लगेंगे। सही है, तो क्लास में पार्टिसिपेट किया करें आप लोग, इस तरह से फिर बाद में आप लोगों के लिए इश्यू होता है। और जब वाइवा के भी मार्क्स आते हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं ड्यूरिंग क्लास ही आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वही वाइवा में क्वेश्चन आते हैं, और फिर जब वाइवा के मार्क्स होते हैं तो फिर आप लोग शोर डालते हैं कि नहीं मैम मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा था, इतने क्वेश्चन पूछे थे। तो आप लोग क्लास में प्लीज प्लीज जो है थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व रहा करें, थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट किया करें, एक्टिव रहा करें, क्वेश्चन पूछा करें, मेरे क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर दिया करें, इस तरह से फिर मैं आप लोगों के सीपी के मार्क्स मुझे 0 ही आएंगे, मैं फिर मार्क्स नहीं दूंगी इस बेस पे आप लोगों को, क्योंकि मार्किंग जो होती है वो बेस्ट, मैं उस बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं, स्ट्रिक्ट के अलावा नहीं, लेकिन मैं ये होता है कि उसमें ये बिल्कुल जो स्टूडेंट ने जैसा रिस्पांस दिया होता है, जैसा पढ़ा होता है, मैं उस बेस पे मार्क्स देती हूँ। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब एक्टिविटी मेरा ख्याल है किसी स्टूडेंट ने नहीं की होगी,
आप लोग ने अगर नहीं किए तो एटलीस्ट मुझे बताएं, मुझे रिस्पॉन्स तो देना। पिछले लास्ट 5 मिनट से इसको डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों ने एक्टिविटी की है कि नहीं की है। ठीक है बेटा, इस तरह से तो फिर क्लास का एनवायरनमेंट भी खराब होगा और मेरा मूड भी खराब होगा, तो फिर आप लोगों को भी बुरा लगेगा। क्लियर? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास का एनवायरनमेंट भी ठीक रहे और अच्छे से आप लोगों को पढ़ने का भी मौका मिले, तो प्लीज प्लीज अपनी जो आदतें हैं इनको ठीक कर लें। कितना टाइम लगता है कि एक्टिविटी करने में, कितना आप लोगों का 2 दिन के बाद 3-4 दिन के, 2-3 दिन के गैप से लेक्चर आता है। ठीक है, लास्ट थर्सडे क्लास हुई थी, अब आज मंडे को है, तो 3 डेज में आपको इतना भी टाइम नहीं मिला होगा कि आप कुछ इस लेक्चर को पढ़ सके या फिर आप उतनी छोटी सी वो एक्टिविटी जो थी उसको कर सके। और जैसा ये जो क्लास आप लोगों को जो होम टास्क दिया जाता है, जो एक्टिविटीज दी जाती है, ये भी सिटी में इंक्लूड होती है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वैसे बच्चों आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे, ऐसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए वायरस। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आप अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप मुझे बता देंगी कि वायरस का साइज और उसका डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी शेप जैसी है और उसके स्ट्रैंड्स कौन कैसे, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, फिर वो कौन सी इलनेस कॉज करता है, कैप्सुलेटेड है या मतलब इनवेलप्ड है या मतलब अनकैप्सुलेटेड है, और एग्जाम्पल्स उसकी कौन सी हैं। इसके अलावा तो कोई नहीं होगा ना, बस नहीं, बाकी आप लेक्चर पढ़ोगे उसमें आपको लगता है कोई और पॉइंट ऐड हो सकता है तो आप कर लेना। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, हमारी इस टाइम ईबीपी की क्लास हो रही है और उसमें एक ग्रेडेड एक्टिविटी होती है। बेटा आप लोग अटेंड करें, मैंने ईमेल की है कि आप लोग अपनी जो ईबीपी की क्लास है वो अटेंड करें। जिन स्टूडेंट्स की भी क्लास है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर समराइज कर दूंगी या फिर उनको वैसे सेपरेट क्लास रख के उनको समझा दूंगी। ओके मैम, ठीक है मैम, मैंने ईमेल कर दी हुई है। मैम हमें वो वाले ईमेल रिसीव नहीं हुआ, इसलिए बेसिकली हमने अपने सर को भी बताया कि हम 2-3 मिनट में आपसे बात करके आ रहे हैं। और मैम आज ही ये जिन स्टूडेंट्स की भी क्लास है वो अपनी क्लास अटेंड करें, ईबीपी की यहाँ की अटेंडेंस की टेंशन ना लें, जिनकी क्लास है मैं उनके अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ठीक है, और आप लोग को नेक्स्ट क्लास में ये लेक्चर आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैं आप ईमेल तो आई जाएगी और नेक्स्ट क्लास में इसको आप लोगों को समराइज कर दूंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एक्स्ट्रा लेक्चर रख के जूम मीटिंग रख के जिनकी क्लास है उनको मैं समझा दूंगी। ठीक है, चलें ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी वो क्लास लें, ये क्लास उस क्लास को लें, इसको बाद में आप लोगों को मैं करवा दूंगी। ओके मैम। और ये सिर्फ आज के लिए मैंने टाइम चेंज किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से कोई इशू नहीं होगा, हम 2 बजे ही क्लास लिया करेंगे। क्लियर है? अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। ठीक है, बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आरएनए और डीएनए का जो वायरस है वो खुद को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन क्या होती है? रेप्लिकेशन यही होती है ना कि एक मल्टीप्लाई फ्रॉम 1 स्ट्रैंड टू 2 स्ट्रैंड। ठीक है, तो वो तो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और एक से वो क्या कर देता है, 2 स्ट्रैंड बना देता है। और अगर स्ट्रैंड और बनेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उस वायरस की कॉपीज और बन रही है, वो मल्टीप्लाई कर रहा खुद को। ठीक है, अपना जीनोम मल्टीप्लाई कर रहा, अपनी कॉपीज को मल्टीप्लाई कर रहा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन क्या होती है? बेसिकली मोलेकुलर इवेंट्स होते हैं जिसमें अनकोटिंग होती है वायरस की, पहले खुद को अनकोट करेंगे। ठीक है, अपनी प्रोटीन एनवेलप को और अपनी जो कोटिंग है उनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। देन उनका जो जीनोम होगा, जो उनका न्यूक्लिक एसिड होगा, वो करेगा रेप्लिकेट करेगा, न्यू प्रोटीन्स बनाएगा, एनवेलप प्रोटीन्स, ठीक है, कोर प्रोटीन्स, और उसके बाद ये सब चीजें क्या करेंगे, असेंबल्ड होकर एक नया वायरस बना देंगे। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस आते हैं, जो टर्म्स हम यूज करते हैं, इसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है, और फिर बाद में रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है ये? जी क्लास, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन्स बनना।
उससे प्रोटीन बनना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, मतलब कि मैसेंजर आरएनए बनेगा और उससे उसकी क्या बनेगी, प्रोटीन्स बनेंगी और उससे पूरा जीनोम उसका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। इसके लिए कोई भी हमें रेप्लिकेट वेल कुछ नहीं हमें रिक्वायर्ड होता, कुछ सेल्स के अंदर होस्ट के रेप्लिकेशन एंजाइम्स जो होते हैं वो उनको यूज करता है, इसके साथ साथ वायरस जो होता है वो इमीडिएटली क्या करता है, इनकोड कर लेता है और अपनी न्यू जीन प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। आपको पता है कि रेप्लिकेशन होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, जो रेप्लिकेशन एंजाइम है वो क्या आता है, पॉलीमरेज यूज किया जाता है। वो आता कहाँ से है, होस्ट से आता है। कहाँ से आता है, होस्ट में से आता है, क्योंकि जो स्मॉल डीएनए वायरसेस है उनके ऊपर अपना रेप्लिकेशन सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो कहाँ से प्रोटीन सब कुछ कहाँ से लेते हैं, वो अपने होस्ट में से लेते हैं। पैपिलोमा वायरस आ जाता है, पोलियो आ जाता है और पार्वो आ जाता है। बट जो लार्ज डीएनए वायरसेस होते हैं उनका अपना रेप्लिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, पॉक्स है, एडिनो है, हर्पिस है, तो वो होस्ट में से क्या करते हैं, बहुत कम प्रोटीन्स उनके यूज करते हैं, मोस्टली वो अपना रेप्लिकेशन सिस्टम जो होगा उसको यूज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। आउटकम्स क्या होती हैं, आउटकम्स यही होती हैं, ऑब्वियसली अगर एक वायरस जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या ऑब्वियसली वहाँ पे वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसकी न्यू प्रोजेनी, उसके न्यू क्या बन रही है, वायरसेस के प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उनका नंबर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जितना नंबर ज्यादा होगा उतना इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देन वो लेटेंट में भी जा सकता है, क्योंकि अगर स्लीपिंग स्टेट में चला गया, लेकिन जब उसको कुछ ऐसे वायरसेस को एनवायरनमेंट मिला है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, पीएच या टेम्परेचर मिला है, तो दोबारा से वो एक्टिवेट होके क्या कर लेते हैं, रीएक्टिवेट खुद को कर लेते हैं, ठीक है। बाद में इसकी डेथ भी हो सकती है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, कमबैक करता है, और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि क्रॉनिक फेज में तो वो स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है और इन्फेक्शन को कर रहा है, ठीक है। लेटेंट मींस के फॉरन से इन्फेक्शन कॉज कर, लेटेंट में है कि वो उसको क्या करे, स्लीपिंग स्टेट में गया, डोरमेंट हो गया, स्लीपिंग हो गया, और जब उसको सर्टेन फैक्टर्स एनवायरनमेंट पर वर्क किए जाएंगे तो वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। ये है बच्चों इसके वायरसेस के रेप्लिकेशन साइकिल के कुछ प्रोसेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को जैसा शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं उसमें चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले वायरस क्या करता है, एड्सॉर्प्शन होती है, उसमें क्या करता है, अटैच करता है प्रोटीन्स के साथ, होस्ट रिसेप्टर्स के साथ, देन वो उसमें क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, उसकी फिर क्या हो जाएगी, ये पेनिट्रेशन होगी तो उसकी अनकोटिंग हो जाएगी, अनकोटिंग के बाद उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसमें अर्ली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और साथ में लेट ट्रांसक्रिप्शन और लेट ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगी, देन वो क्या करेगा, असेंबली करेगा कैप्सूल के साथ, देन फिर मैच्योरेशन हो जाएगी, उसमें एनवेलप हो जाएगा, नॉन एनवेलप हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और एट द एंड उसकी न्यू प्रोजेनी या न्यू प्रोडक्ट जो होंगी वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगी सेल्स के अंदर। अच्छा बच्चों, अब हम थोड़ा सा पॉक्स वायरस की बात करते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट वायरस है, तो इसका कुछ रेप्लिकेशन साइकिल जो है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने पीछे सारा आपको मैंने पॉइंट्स बताएंगे, आगे हम एक फिगर में भी इसको समराइज करेंगे, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लार्ज वेरियन है, इसका जीनोम भी लार्ज होता है, डबल स्ट्रैंडेड इसका डीएनए है, मॉर्फोलॉजी से क्या होती है, कॉम्प्लेक्स है, ये एनवेलप्ड होता है, ठीक है, इनवेलप होगा, इसमें कुछ हमें फीचर्स जो इसके नोट करने होंगे वो यही है कि साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन होती है, और ये कि इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। बच्चों इसका क्या काम था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का, सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, बच्चों ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे आप इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास एक सिंगल वायरस है। अगर आप बड़ी दिखाना चाह रहे हैं तो छोटी स्क्रीन शेयर, नहीं वो मैंने वो छोटी की है कि माउस से स्क्रॉल कर सकूं मैं इसको, ठीक है, स्लाइड शो पे फिर माउस नहीं शो होता, मैं इसको जूम कर देती हूँ वैसे। ठीक है,
अच्छा बच्चों ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, एक वायरस आएगा, ठीक है। अब वायरस सेल में क्या हो गया, अटैचमेंट के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले पता चलेगा अटैचमेंट होगी उसकी किसके साथ, होस्ट के रिसेप्टर्स के साथ। जब उसकी अटैचमेंट होगी तो वायरस क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा उसके सेल के अंदर। जब वो सेल में आ जाएगा तो उसके बाद मुक्ति वो क्या करेगा, अनकोटिंग करेगा अपने एंजाइम्स को, अपने प्रोटीन्स को सेपरेट कर देगा। आप देख सकते हैं उसने वायरस ने और उसने एंजाइम्स को क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर लिया। अब क्या होगा कि जब उसने अपने पॉलीमरेज को सेपरेट कर लिया तो उसका पॉलीमरेज क्या होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सिंगल क्यों क्या करे, डीएनए से आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बना देगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वायरस दोबारा से इसकी जो प्रोटीन्स होंगे कैप्चर्ड एनवेलप उन सबको असेंबल करके क्या कर देगा, नया वायरस बना देगा, ठीक है। अब जब उसके बाद जब ये वायरस एक ये वाली उसकी जो कॉपी है कहाँ पे आएगी, गोल्जी अपैरेटस में आएगी, वहाँ पे क्या होगी, इसकी ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन के बाद आप देख सकते हैं कि जब मैच्योर होगा, रिलीज होगा, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी इस वायरस की, ठीक है। ठीक है बच्चों, किस तरह से क्या हो जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। क्लियर है, सबको समझ आ गया? यस मैम। इसी तरह से हम पार्वो वायरस को देखें तो इसमें ये बहुत सबसे पोस्ट था वो लार्जेस्ट था, तो पार्वो क्या होता है, वो सबसे स्मॉल वायरस होते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है, इसमें आइकोसा हेडल सब कैप्चर्ड है, नॉन इनवेलप्ड है, और इसका डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, इसकी न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको अगर हम डिस्कस करें तो आप इसमें बेसिकली आपने जो पीछे हमने देखा है पॉक्स वायरस, उसकी जो रेप्लिकेशन थी वो न्यूक्लियस में नहीं हो रही थी, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में जब सेल में आ जाता है सेल में तो वहीं पर वो अपनी रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें पार्वो की, तो इसकी रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, इसकी रेप्लिकेशन जो होती है वो कहाँ पे, न्यूक्लियस में होती है। अगर मैं इस फिगर को बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, वायरस आ जाएगा, ठीक है। वायरस जो होगा वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा किसको, जो आरबीसीज हैं उनको, प्रीकर्सर सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। उन आरबीसीज के थ्रू ये क्या हो जाएगा, सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, सेल्स के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा। जब सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो इसने अपनी जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ पे करनी है, न्यूक्लियस में करनी है। वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में आएगा, वहाँ पे आकर उसकी क्या हो जाएगी, अनकोटिंग हो जाएगी। अनकोटिंग होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, और डीएनए से क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस तरह से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने तो उसके बाद ऑब्वियसली इससे क्या बनेगी, डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगे डीएनए के साथ इसके असेंबल्स होके। अब क्या होगा, उसके न्यू लाइसिस, न्यू साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन या न्यू उसके बाद प्रोडक्ट्स बन जाएगी। इसके साथ साथ इसका जो मैसेंजर आरएनए वो क्या करेगा, कुछ इसके स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका कैप्चर्ड बन गया, इनवेलप बन गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, डीएनए आएगा और वो पैक होके असेंबली होके सेल में क्या हो जाएगा, दोबारा से वो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये किसका था, ये है पार्वो वायरस का क्या है, रेप्लिकेशन साइकिल है जो वहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आरएनए वायरसेस की, डीएनए वायरसेस का किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ आया हो? नो मैम। कुछ आरएनए वायरसेस जो होते हैं इसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस में ऑब्वियसली रियो वायरस आ जाएगा, पॉजिटिव वाले जो उसमें पाइकोना टोगा फ्लेवियो क्रोना आता है, और रेट्रो का तो आपको पता ही है कि उसमें पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है लेकिन साथ में कुछ डीएनए भी आ जाता है, और रेट्रो वायरस में क्या आता है, एचआईवी आ जाते हैं। जो नेगेटिव स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं वो नॉन सेगमेंटेड होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। नॉन सेगमेंटेड में रेप्डो है, पैरामिक्सो है, फाइलो है और बॉर्ना है। सेगमेंटेड में मिक्सो है और साथ में दुनिया वायरसेस आ जाते हैं। एम्बिसेंस जो होता है उसमें रीना आता है। एम्बिसेंस क्यों कहा जाता है कि आरएनए दैट इज इन पार्ट ऑफ पॉजिटिव एंड पार्ट ऑफ द नेगेटिव प्लैरिटी, मीन्स कि उस आरएनए के वायरसेस में दोनों होते हैं, पॉजिटिव प्लैरिटी भी होती है और नेगेटिव प्लैरिटी भी होती है। तो ऐसे आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिसेंस आरएनए वायरसेस कह देते हैं।
इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किन ये फॉलो करता है, किन पॉइंट्स को. तो ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ा होगा कि आरएनए से आरएनए में आ सकता है, आरएनए से डीएनए में आ सकता है और डीएनए से आरएनए में आ जाता है. ठीक है, ये चीजें पहले आप हमने फर्स्ट लेक्चर में इनको पढ़ लिया था कि तीन तरह के हमारे पास पॉलीमरेज आ जाते हैं, आरएनए टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए और डीएनए टू आरएनए आ जाते हैं. बच्चों ये है पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम. आपको मैंने पहले ही बताया था जो पॉजिटिव सेंस वाले जो होते हैं वो उसमें इनका मैसेंजर आरएनए जो होता है वो डायरेक्ट प्रोटीन बना देता है. ठीक है, लेकिन अगर जो नेगेटिव वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो नेगेटिव वाला किसमें होता है मॉडिफाई करता है, पॉजिटिव में मॉडिफाई करता है और उसके बाद वो क्या करता है प्रोटीन बनाता है. ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज मस्ट बी पैक्ड इन विडियोन इट फ्यूज्ड आरएनए मॉडिफाइड एंजाइम्स आर पैक्ड इन विडियोन. ठीक है, ये एक डिफरेंस है कि पॉजिटिव वाला जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, लेकिन जो नेगेटिव सेंस जीनोम होगा पहले वो करेगा पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आकर फिर अपने पॉलीमरेज को क्या करेगा पैक करेगा और देन पॉलीमरेज जब रेप्लिकेशन शुरू करेगा तो उससे इसके डिफरेंट प्रोटीन्स और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. वही बात है कि जिनका डबल स्ट्रैंड जीनोमिक जो होगा आरएनए होते हैं उसमें भी यही है जिसमें हमने बात की एम्बिसेंस वालों की बात की, उसमें पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं. तो जब उनकी रेप्लिकेशन होती है या स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो जो पॉजिटिव स्ट्रैंड वाला जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा और उससे क्या बन जाएंगे इसकी प्रोटीन्स बन जाएंगे. रेट्रोवायरसेस जो होते हैं, रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है. इसमें दो कॉपीज होती हैं डबल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट हम यूज करते हैं. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि एक वायरस जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर आएगा, उसका क्या पॉजिटिव आरएनए, पॉजिटिव आरएनए जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट यूज करेगा तो क्या करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हो जाएगा वो उसके पैक्ट होकर एक न्यू सेल बना देगा, एक न्यू उसकी कॉपी बना देगा. अब बच्चे ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है कि जो आरएनए कौन से जो आरएनए वायरसेस हैं उनकी इन्फेक्टिविटी कितनी होती है और उसमें इनिशियल इवेंट उनका सेल में कौन सा होता है. ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है वो जीनोम को बता रहा है, सेकंड जो है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बता रहे हैं विडियोन के अंदर, थर्ड जो है वो इन्फेक्टिविटी के लिए है और फोर्थ जो लास्ट वन है इनिशियल इवेंट. जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे बात की है प्लस स्ट्रैंड आरएनए मींस की पॉजिटिव स्ट्रैंड हमारे पास आरएनए. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें आरएनए से आरएनए नहीं बनाना, ये डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, ये डायरेक्ट प्रोटीन बना सकते हैं इसलिए ये क्या है इन्फेक्शियस है. और इसमें क्या होगा हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा इसमें ट्रांसलेशन होगी. जो नेगेटिव वाला है इसमें यस होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव से क्या करना है पॉजिटिव बनाना है, इसलिए क्या होता है नॉन इन्फेक्शियस होता है और इसमें सबसे पहले क्या होती है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन होती है. ठीक है, जो डबल स्ट्रैंड आरएनए था जिसमें हमने रेट्रोवायरस की बात की है तो वो भी क्या करता है आरएनए से पहले क्या करता है डीएनए बनाता है, वो भी नॉन इन्फेक्शियस होता है स्टार्ट में, आरएनए उसमें इन्फेक्शियस नहीं होता, जब डीएनए बन जाता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है. तो उसमें भी सबसे पहले इनिशियल इवेंट क्या हो जाएगा इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी. ठीक है बच्चों, ये टेबल सबको क्लियर हो गए. इसी तरह लास्ट वाला रेट्रोवायरसिस का ये भी वही है कि इसमें भी वो ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ जाता है, नॉन इन्फेक्शंस होते हैं और इसमें इनिशियल इवेंट क्या होते हैं पहले सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है कि आरएनए से डीएनए बनता है, फिर इसमें क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर इसमें क्या हो जाएगी ट्रांसलेशन हो जाएगी. ये हमारे पास बाय कोरोना वायरस, इसमें नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं, स्मॉल है, कोसाहेड्रल है, पॉजिटिव सेंस है और ये क्या होता है नॉन इनवेलप होता है. इसमें भी बच्चों ऐसे ही होता है कि सबसे पहले कोई भी वायरस है कोई भी चीज़ है वो क्या करेगा आके ड्रॉप करता है, उसकी अटैचमेंट होती है मेम्ब्रेन के साथ, जो मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है तो क्या करता है उसके बाद उसकी क्या हो जाती है पेनिट्रेशन हो जाती है. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेनिट्रेशन और फ्यूजन हो रही है किसकी पाइकोरोना वायरस की. एक मिनट चलिए बच्चों, ये वही चीज है जिसका अगर हमने अभी पहले आपको बताया है कि क्या आपके पास जीनोमिक पॉजिटिव सेंस आ रहे हैं. ठीक है, हमने कहा था कि जो पॉजिटिव सेंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्या करता है प्रोटीन बना देते हैं. ठीक है, अब पॉजिटिव सेंस आ रहे हैं सबसे पहले क्या करता है पोली प्रोटीन बनाता है. पोली का मतलब है कि उसने मल्टीपल प्रोटीन बना दी है. ये पोली प्रोटीन होंगे स्टेप वन में अपने डिफरेंट फर्दर प्रोटीन में उसको डिवाइड करेंगे,
स्टेप टू में इनकी और डिवीजन हो जाएगी, और स्टेप थ्री में आप देख सकते हैं कि एल है, वीपी फोर है, ये वायरल प्रोटीन है, टू सी थ्री ए कैप्सिड बना देगा, ठीक है, वो खुद को क्या कर लेगा, डिफरेंट प्रोटीन में डिवाइड कर देगा, तो इसमें कुछ इसमें क्या बन जाएंगे, कैप्सिड प्रोटीन बन जाएंगी और साथ में इसमें प्रोटीएजेस बन जाएंगे और आरएनए के सिंथेसिस हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है, पॉली प्रोटीन होती है, पॉली मीन्स के मल्टीपल प्रोटीन बना दी है, और उसके बाद उसकी सब टाइम जब डिवीजन होती जाएगी तो अपनी जो भी प्रोटीन है स्पेसिफिक वो बना देगा। ये भी वही चीज है कि पॉजिटिव है वो फिर नेगेटिव में आ जाता है, और अगर रेप्लिकेशन करनी हो और फिर उसके बाद पॉजिटिव सेंस आने का जीनोम बन जाता है, ठीक है। जब वही अब रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि जब रेप्लिकेशन होती है तो वहां पे जो एंजाइम पॉलीमराइज है उसको हम रेप्लिकेज भी कह सकते हैं। कि कुछ एक्सेसिव प्रोटीन्स हैं वो मैंने आपको बता दिया था कहाँ से आती हैं, होस्ट में से आती हैं, जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो पैक्ड हो जाता है, उसकी टेम्पलेट्स होती हैं रेप्लिकेशन के लिए और साथ में ट्रांसमिशन के लिए टेम्पलेट्स मीन होते हैं, उसके जो उसके स्टैंड होते हैं वो क्या होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, और फर्दर उनकी ट्रांसलेशन हो जाती है, ठीक है बच्चों। जिस हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास क्या करते हैं प्रोटीन्स बनती हैं, तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये क्या कर लेंगे, आप देख सकते हो कि सबसे पहले प्रोटीन्स बन गए, वायरल प्रोटीन वन है, थ्री है, फोर है, और ये एट द एंड पैक्ड होकर क्या कर रही है, पूरा का पूरा वायरस बना रही है, और जब वायरस की असेंबली हो जाएगी वो न्यू प्रोटीन्स पैक्ड हो जाएगी, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो लाइसिस करेगा वहाँ पे और वहाँ से वो फिर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ऐसे होते हैं कि नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव स्ट्रैंड वायरसेस होते हैं, उसमें रेबडो है, पैरामिक्सो है और फाइलो वायरस आ जाता है। ये आप देख सकते हैं रेबडो वायरस को, बेसिकली इसमें क्या होता है कि रेबडो वायरस जो होता है वो क्या कहते हैं रेबीज कॉज कर सकता है। इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आपके जो स्पाइक्स हैं बच्चों, स्पाइक्स को हमने क्या नाम दिया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि स्पाइक्स प्रोजेक्शन होती हैं, उनको क्या कहते हैं, मैम सिलिया, आई लाई, नहीं बच्चे स्पेसिफिक टर्म था, एक नेम दिया गया था, और टेलोमर्स याद है क्या चीज मैम, टेलोमर्स हमने कहा था कि जो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम पेप्लोमर्स कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर में ये बात हुई थी बच्चों। लेक्चर पढ़ेंगे होगे तो आप लोगों को बच्चों याद होगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि लेक्चर पढ़ते रहे साथ साथ, क्योंकि अब लेक्चर जब आगे आते हैं तो प्रीवियस लेक्चर के साथ लिंक करते हैं, जब तक आप लोगों को प्रीवियस टर्म से क्लियर नहीं होंगी तो आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा बच्चा उसमें आप देख सकते हैं जी प्रोटीन है, ग्लाइको प्रोटीन जो स्पाइक्स हैं, इसके साथ जो आगे पर्पल में है वो एम प्रोटीन है, फिर आगे इसकी लिपिड लेयर आ जाती है, देन इसका हेलिकल में क्या आ जाता है, न्यूक्लियो कैप्सिड आ जाता है, और उसके ऊपर आपको जो येलो में नजर आ रहे हैं सर्कल्स वो उसका क्या पॉलीमरेज का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्या होगा इसमें भी इसी तरह से होता है कि वो सबसे पहले क्या होगा, वायरस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसकी क्या होगी, अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट होने के बाद वो क्या करेगा, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और पेनिट्रेट करने के बाद वो क्या करेगा, उतनी ब्रेक डाउन करेगा अपनी न्यूक्लियस प्रोटीन्स की, और जब ब्रेक डाउन करने के बाद वो अपना पॉलीमरेज जो होगा उसको क्या कर देगा, वहां से रिलीज कर देगा, और इस तरह से जब न्यू प्रोटीन्स बनेंगी तो उनको क्या कर लेगा, वो पैक कर लेगा। इसमें जो रेप्लिकेशन होती है बच्चों, ये आप लोगों ने ये भी याद रखना कि कहाँ कहाँ पे साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन हो रही है और कहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में हो रही है, ठीक है। जैसे आज के लेक्चर में हमने आप लोग टेबल में ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि रेप्लिकेशन न्यूक्लिक एसिड वाले न्यूक्लियस में किस में होती है और कौन से वायरसेस में जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक होती है, ठीक है। इसका जीनोम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में रहता है, और जब उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो होता है वो रिलीज हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बना देगा पॉजिटिव सेंस का, और उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और रेप्लिकेशन में क्या करता है, फुल लेंथ कॉपी बनाता है अपने जीनोम की, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसकी पैकेजिंग स्टार्ट कर देगा, टेम्पलेट होंगे न्यू से प्रोडक्ट, इन्हीं टेम्पलेट में से एक स्ट्रैंड को लेके वो आगे क्या कर देगा, खुद को फर्दर मल्टीप्लाई करेगा, और जितनी और साथ में फर्दर उससे क्या होती जाएगी, रेप्लिकेशन होती जाएगी, ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन हो गई, उससे क्या करेगा अपने न्यू प्रोटीन्स बनाएगा, एक्सेसरी प्रोटीन्स, और बाद में जो रेप्लिकेशन होगी वो स्ट्रैंड में आगे क्या करेंगे, पैर ठोक के एक न्यू माइनस स्ट्रैंड बना देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते पीछे से जरा पीछे थोड़ा बताते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा तेज बता रहे थे, समझ नहीं आई सही से। मुझे इसमें यही है कि आरएनए के सिंथेसिस का बताया गया कि हमने पीछे यहां से ये बात की थी कि क्या है कि वो आप सबसे पहले क्या होगा, अटैचमेंट हो रही है, ठीक है, राइट साइड पे आप देखें तो अटैचमेंट होगी, फिर वो पेनिट्रेट कर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा वो अपने अनपैक करेगा, क्या करेगा डिस्ट्रॉय करेगा अपने प्रोजेक्ट इनवेलप प्रोटीन्स हैं, जब उनको डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं उल्टी देख रहा था डायग्राम इसलिए पता नहीं लग रहा था। उसके बाद जब इसका जीनोम है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करते करेगा तो वहां पे ऑब्वियसली क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ठीक है, साइड बाय साइड क्या करता है, खुद को वो रेप्लीकेट भी करता है। ठीक है, रेप्लीकेट करने के बाद पॉजिटिव सेंस आरएनए बनाता है और फिर नेगेटिव सेंस बना देते हैं। क्लियर, अब क्या होगा कि जब ये सिंथेसिस कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहा है और साथ में रेप्लिकेशन भी हो रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि साइड बाय साइड इसकी न्यू एक्सेसरी प्रोटीन्स भी बनती जा रही हैं और इसका जीनोम भी क्या होता जा रहा है, रेप्लिकेट होता जा रहा है, न्यू स्ट्रैंड्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या, एक तो ये कि पैकेजिंग भी हो रही है कि न्यू वायरस की प्रोडक्ट्स बन रही हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स में से हम कोई ना कोई टेम्पलेट लेके, कोई स्ट्रैंड लेके उसको फर्दर रेप्लिकेट करवा रहे हैं, तो एट द एंड हमारे पास क्या होगी, इसकी 1000 कॉपीज जो होंगी वो बन जाएंगे। ठीक है, ये बताया गया। अब क्या था कि हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास इसके पास रेप्लिकेशन हो रही है, अब जब रेप्लिकेशन हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, तो आपको पता है कि पैकेजिंग कहाँ पे होती है, कुछ जो प्रोटीन्स बनती है वो कहाँ बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक भी कौन सा होता है, रफ वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से जो आप लेफ्ट साइड से इस फिगर को देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से क्या बन गया, पूरी प्रोडक्ट बन गई है हमारे पास, वो क्या करेगा गोल्जी में आएगा, गोल्जी में आकर उसको फर्दर हम क्या करेंगे, पैक करेंगे, और पैक करने के बाद वो मेम्ब्रेन में से फ्यूज होकर क्या आ जाएगा, बाहर सेल ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, एक पूरा प्रोसीजर है कि कैसे जो होगा, सेल जो था जो नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड हमने कहा था कि सेगमेंटेड वाले जो आरएनए वो होते किस तरह से रेप्लिकेट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि जब उसमें असेंबली होगी यही वायरस का जो पॉलीमरेज है वो दोबारा से किसने अपने जो कैप्सिड है उसमें क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, उसमें एम प्रोटीन्स आ जाएंगे, पॉलीमरेज आ जाएंगे, स्पाइक्स प्रोजेक्शंस आ जाएंगी और हमारे पास एक न्यू वायरस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों वहां तक, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कुछ पॉइंट्स हम रेप्टोवायरसेस के भी देख लेते हैं, इसका एंटायर साइकिल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, वही चीजें हैं कि वायरस स्पॉट करते हैं विरियन में होते हैं, और यहाँ पे कोई भी जो होता है वो अर्ली और लेट विजन नहीं होती है। ये है बच्चों ऑर्डो मिक्सोवेटाई की जो है फिगर दिखाई गई है, इसमें भी वही चीज है, सबसे पहले कोई ना कोई वायरस कुछ भी आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे आगे उसकी एड्सॉर्प्शन होगी, एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या बड़े पूरा वेसिकल बन जाए वो उसको इंगल्फ कर लेगा, मीन्स उससे क्या हो जाएगी, एंडोसाइट प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, वहां पर जब इसकी लो पीएच दी जाएगी तो लो पीएच से क्या होगा कि इसकी फ्यूजन हो जाएगी और साथ में क्या होगी, या खुद सेल होते क्या कर लेगा, अनकॉट कर लेगा, मींस कि अपने जो स्ट्रैंड है उनको सेपरेट कर देगा। उसके बाद वही है कि वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा, आरएनए बनाता है पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव वाला, और फिर उससे क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए से क्या हो जाएगी, वहां पे ट्रांसलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग जो हमने पीछे बात की थी कि क्या होगा, गोल्जी में आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, और पैकेजिंग होके उसकी सेल्स की सरफेस पे उससे क्या आ जाएंगी, सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, और यहाँ से बडिंग के थ्रू पैक होके वो न्यू सेल्स होंगे वो ब्लड में आते जाएंगे। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये क्या है, रियो वायरस का, जिसमें आप देख सकते हैं कि आउटर कैप्सिड है, इनर कैप्सिड है, और डबल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होगा, और इसका आरएनए जो पॉलीमरेज है वो क्या हो जाएगा, 5' को पता ना कि दो एंड्स होते हैं, एक 5' एंड होता है और एक कौन सा होता है बच्चों, 3' एंड होता है, वो बेसिकली शुगर जो उसके ऊपर, हाँ 3' होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कार्बन के ऊपर जो होता है उस बेस पे इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ऑब्वियसली वही बात है कि जब सेल क्या हो जाएगा उसकी जीआई ट्रैक में प्रोटीएजेस, जो प्रोटीएजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स की
अटैचमेंट होगी प्रोटीन्स की और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस होकर कहां पे आ जाएंगे, एंडोसोम्स में आ जाएंगी ये चीज। ठीक है, सबसे पहले क्या पेरेंटल विरियोन है वो ट्रांसक्राइब करेगा अपने, सेम वही चीजें हैं, सबसे पहले उसका करेगा अटैचमेंट होगी सब में, फिर उसके बाद अनपैकेजिंग होगी, अनपैकेज के बाद उसका जो आरएनए है ये मैसेंजर आरएनए उसका करेगा खुद को रेप्लिकेट करवाता है, रेप्लिकेट करवाने के बाद वो दोबारा से क्या करेगा अपने साथ में एक्सेसरी प्रोटीन्स बनाते हैं उनकी दोबारा से रीपैकेजिंग होंगी और रीपैकेजिंग के बाद जो न्यू प्रोजेनी विरियोन्स है वो क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और वो कहाँ पे रिलीज होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, वहां पर उनका एनवेलप बनता है, उसको एनवेलप ले लेते हैं, मेम्ब्रेन लॉस हो जाती है उनकी और लाइसिस के थ्रू ब्लड से क्या हो जाते हैं सेल्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से डिफरेंट डीएनए और जो आरएनए वायरसेस है वो अपने जीनोम को क्या करते हैं रेप्लिकेट करते हैं। सबका सेम ही पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स यही है कि अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन है, फिर उनकी क्या करती है अनकोटिंग होती है, फिर वो क्या करते हैं ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, देन उनकी क्या होती है पैकेजिंग होती है और फिर वो दोबारा से क्या हो जाते हैं रिलीज, पैकेजिंग के बाद मैच्योरेशन है और फिर वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सबके 7 पॉइंट्स है लेकिन जस्ट कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है आरएनए और डीएनए वायरसेस में, कहाँ पे पॉजिटिव वाला है कहाँ पे नेगेटिव वाला है, वेदर की वो न्यूक्लियस में हो रही है या फिर वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर आप लोगों का, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू? मैम मैंने आपसे पूछना था क्योंकि सेकेंड लेक्चर मैंने आपको जैसे बताया है तो उसके बीच में हमने ये नेगेटिव वाला जो है वो डिटेल से बताया होगा, तो नेगेटिव जो ये ट्रेंड होता है जो आप कह रही थी अभी, इसका मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं कि ये पॉजिटिव से डिफरेंस, अभी आपने ये बताया कि पहले जो नेगेटिव वाला होता है वो आके पॉजिटिव बनाता है फिर उससे आगे होता है, तो नेगेटिव मतलब इन दोनों का बता दें, नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा डिफरेंस बता दें मुझे ताकि क्लियर हो जाए। यही डिफरेंस है कि पॉजिटिव वाला स्टैंड है उसके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं ऐसे, उसके पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं कि वो डेड प्रोटीन बना सकता है मैसेंजर आरएनए से, लेकिन जो नेगेटिव स्टैंड वाला जो होता है उसके पास उसको सबसे पहले खुद को वो चेंज करता है पॉजिटिव वाले में और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन हो सकती है, वो डायरेक्टली ट्रांसलेशन उसकी नहीं हो सकती, बस इतना सुपर ये डिफरेंस। अच्छा, और बस हम इस वाले लेक्चर में हमने यही चीज पढ़नी है ना बस कि किस तरह से हो रही है वायरस, तो बच्चे जो मैंने पढ़ाया वही पढ़ना, आपने लेक्चर लिया है ना? हाँ जी, मेरा मतलब ये तो है कि सारे लेक्चर में यही बात है ना, तो मतलब समराइज इतना सही है कि ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो पता चलेगा कितना कुछ उसमें है, कितना समराइज करना है। चलिए ठीक है जी बच्चों, किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो? सबको समझ आ गया? यस मैम जी। गर्ल्स गर्ल्स में से किसी ने कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चले आगे, क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एमसीक्यूज, व्हेन द वायरस एंटर्ड द सेल बट नॉट रेप्लिकेट इमीडिएटली, this situation is called lysogeny, fermentation, symbiosis, synergism. Retroviruses have one copy of ssRNA, two copies of ssRNA, one copy of dsRNA, two copies of ssDNA. Two copies of single-stranded. ठीक है बच्चों, थैंक यू। थोड़ा सा लेक्चर को गौर से पढ़ाते हैं, आप लोगों ने भी लेक्चर पढ़ा है और आप लोग आंसर देने में इतना
कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या था, क्या पढ़ लिया हमने, इसका यहाँ आंसर है भी या नहीं है. और बच्चों आप लोगों की अटेंडेंस जो होगी वो जूम के ऊपर आ जाती है, मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगी. ठीक है, क्लियर है? इसलिए को जरा ओके इसलिए ये ना समझिएगा कि अटेंडेंस हो नहीं रही है. क्लियर है? और उसमें आपको पता है प्रॉपर टाइम भी आ जाता है कि स्टूडेंट ने कितने टाइम के मीटिंग अटेंड की. ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.